दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आ गया अब आपका वह समय, वह पल खुल गया अब आपके किस्मत के भाग्य जो आप सपने में देखा करते थे। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में यह एक सुंदर स्त्री आने वाली है और दोस्तों यह स्त्री आपको अपनी जान से भी जाना चाहती है, आपको यह स्त्री अपनी जान भी दे सकती है इतनी चाहती है और यह सिर आपके लिए ही बनी है और इस दुनिया में आपका किस्मत बदलने के लिए ही आपके जीवन में आ रही है और अब वह समय आ गया। दोस्तों यह सुंदर स्त्री अब आपका किस्मत रातों रात बदल देगी। दोस्तों यह स्त्री आपको वह खुशखबरी देंगे, वह कामयाबी देंगे। दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे जो कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही स्त्री का हाथ होगी। दोस्तों यह सुंदर स्त्री कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है, है दोस्तों स्वयं यह स्त्री में लक्ष्मी का गुण है जो कि दोस्तों आपके घर इनका शुभ कदम पड़ते ही आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। आपके सारे सपने 11 करके पूरे होने लगेंगे, आपका वह काम बनने लगेगा जो दोस्तों वह काम बनना मुश्किल था। सिर्फ दोस्तों यह सुंदर स्त्री आपके जिंदगी में आने से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कौन है जान लो, अगर जान गए उनके संकेत को आप समझ लिए और दोस्तों आप अपने जीवन में इन स्त्री को पा लिए तो दोस्तों आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। आप राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करने लगेंगे और साथ ही साथ दोस्तों यह स्त्री आपके जीवन में आने से आपको 4 इससे बड़ा सुख देने वाले हैं जो कि दोस्तों आपका भाग्य बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपको धन दौलत रुपया पैसा से आपका घर भर देंगे और दूसरा आपको यह स्त्री मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ा देंगे जिससे लोग आपको शहर भी करेंगे, लोग आपको मान प्रतिष्ठा इज्जत भी देने लगेंगे और दोस्तों तीसरा यह स्त्री अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। इसके पास जो भी है सिर्फ आपके लिए ही यह स्त्री खुश रहेगी, आपके सिवाय इस स्त्री को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इतना प्रेम करेगी आपसे, इतनी चाहेगी आपसे, यह स्त्री आपको अपनी बाहों में लगा के रखेगी, अपने नजरों से आपको एक पल दूर नहीं करेगा। और दोस्तों चौथा, यह स्त्री आपको ऐसी ऐसी दिमाग देंगे, ऐसी ऐसी बुद्धि देंगे जो कि दोस्तों आप इनके दिमाग पर चलेंगे तो आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि, बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बुद्धि दत्ता स्त्री है जो कि दोस्तों इनके बातों में आप चलेंगे तो आपको धन दौलत एकदम चुंबक की तरह खींची चली आएगी, आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, आपके पास 10 लोग घूमे। जी हाँ दोस्तों, इस स्त्री में कई ऐसी अद्भुत गुण हैं जो मनुष्य के जीवन में यह स्त्री आने से उनके घर में इनका चरण पड़ने से बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। लोग यह भी कहने लगते हैं कि उनके घर स्वयं लक्ष्मी आए हैं जो इनका घर धन दस से भर गया। सिर्फ यह महिला, यह स्त्री उनके घर आने से दोस्तों ऐसी स्त्री हर किसी को नहीं मिलती है जो किस्मत वाला होता है, उन्हीं के जीवन काल में ऐसी स्त्रियां प्रवेश करती है और उनका भाग्य बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह स्त्री कौन है और कहाँ है और इसका नाम क्या है, सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस इस वीडियो को एक बार अकेले में देखना और जो बात हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसे बिल्कुल ही किसी को भनक होने मत देना वरना आप सभी के जीवन काल में यह मौका कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इनके आ जाने से आप सभी का जीवन कुछ ऐसा बदलेगा कि देखने वालों के होश उड़ जाएंगे और दोस्तों आपसे जलने वाले का बोलती बंद हो जाएगा और यह स्त्री आने वाले 48 घंटे के अंदर आप सभी को राजा बनकर ही छोड़ेंगे, आपका किस्मत बदल कर ही रखेगी यह एक सुंदर स्त्री। बस दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा, अगले 48 घंटों में यह एक महिला आपकी जिंदगी में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी यह महिला। दोस्तों इसे कोई साधारण घटना ना समझिए, दोस्तों यह घटना ऐसी चमत्कार जीवन में केवल एक बार ही आती है, ऐसा मौका भगवान एक बार ही देता है जो कि दोस्तों यह एक सुंदर स्त्री के रूप में आपका किस्मत बदलने वाली है। और दोस्तों यह स्त्री से आप अभी भी अनजान है, इसे अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं
और दोस्तों यह स्त्री आपके आगे पीछे भी घूमती है, लेकिन दोस्तों आपको अभी तक इसका भनक भी नहीं लग पाया है। आपका किस्मत आपको पुकार रहा है, सिर्फ यह एक सुंदर स्त्री ही आपकी किस्मत बदल देगी और वह शुभ घड़ी आपके जीवन में अब आ चुकी है। आखिर कहाँ मिलेगी यह महिला और कौन है यह सुंदर स्त्री के बारे में आपको हम इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है, जब यह सुंदर स्त्री आपके जीवन में आएगी तो फिर आपकी जिंदगी में वह घटना घटेगी जिसे जानने के बाद आपका होश हवास उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास ही नहीं होगा अपनी आंखों पर जो आपके सामने गठित होगा। अब एक सबसे खास बात दोस्तों हम आपको बता दें, यह सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं इन्हें गलती से भी मजाक मत समझ लेना, जो आपके जीवन में होने वाली है सच्ची घटनाएं हैं और इन्हें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। यह आपकी ग्रहों की चाल बोल रही है, आपकी किस्मत का रेखा बोल रही है। आपको हम बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है और जिस इंसान की जिंदगी में कुंडली में राशि में शुक्र बलवान हो जाता है उसे स्त्री सुख निश्चित तौर पर मिल ही जाता है। इसी वजह से जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वह आपकी राशि में लिखा हुआ है, आपके ग्रहों की चाल में यह बताया जा रहा है। या दोस्तों हम आपको हर एक घटना बिल्कुल जो की जो वास्तविक घटना के तौर पर बताएंगे। आपको बस ठंडे दिमाग से इन बातों को समझना है दोस्तों। जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनमें ईश्वर का कहीं ना कहीं योगदान होता है, आपकी जिंदगी को बदलने का प्रयास होता है और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। यह आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपका मन आपका दिल बहुत ही सच्चा है। आप हमेशा दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो कि आपकी एक अनोखी आरक्षण। संसार में इसका उल्टा होता है, लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, आनंद लेते हैं मजे लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, है। इसी वजह से आपका सच्चा मन आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती है। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय लिया है कि आपके जीवन में सुख केवल सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशीर्वाद माने और भगवान का प्रसाद समझ कर इसे स्वीकार करें। वीडियो को पूरा देखें, हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, बहुत सारी ज्योतिषीय आकलन जोड़ गणित गुणा भाग लगाया है, तब जाकर हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों की कम से कम 3 बार कमेंट में जय माँ राधा रानी, कृपा करो जय माँ राधा रानी की अवश्य लिखना और इंतजार करना। हम कहते हैं कि अगले 48 घंटे में आपको एक एक बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर खबर सुनने को मिल जाएगी। माता राधा रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना दोस्तों। यह बिल्कुल ही फ्री है, बस इतना करने से आप हमारे बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नगीने लेकर आते हैं और आपकी जिंदगी में कई रंग भर देंगे दोस्तों। हम पूरा जोर लगा रहे हैं, बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई है। आपको चोट आपके अपने ही पहुँचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकर पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं कंकरों में से एक भी कंकड़ यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरी रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और दोस्तों में
जो आपके साथ वह उसी एक कंकड़ के समान है जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यतीत कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्स की भर्ती में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक अपना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आप लोग अपना बनाकर आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। और आप इतनी अच्छी और सरल इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करती है, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपने मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों, याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी छोटी कहानी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से हुई जनों से जब आप जाते हैं, छा जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, स्वास्थ्य आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको गिराने पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको दो काम करने हैं। पहला काम यह है, आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को डोट करना है, बिना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में ही, अर्जुन तू कर किए जा फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा, पर मंडे वादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है, है तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिया जाए। दोस्तों, याद रखो कि जब हम इसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं। नहीं हम ट्रेन में कभी सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है, हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि इसे कौन चला रहा है, बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक गम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है, वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमें मृत्यु के जीवन का हर कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं, जो हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं का या तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाती है? परिणाम तो ईश्वर दे रही है, क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। इतनी सारी बातें हमने आपसे जो की, हैप्पी बातें, केवल हम इसलिए से कह रहे हैं कि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर छोटी सी ज्ञान के दिए को चलाने की विधि किए, कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में खेलता है और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण है, बिल्कुल एक भरे हुए तालाब के समान हो जाएगा, इसमें कोई लहर नहीं है, है फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, और आज हमें तकलीफ है लग रही है, शायद भविष्य में भी हमें बहुत अधिक सुख देने वाली है। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है। दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है, आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, अब इसको लेकर आए और डर भी अनजान संभाई आपको सताता रहेगा, आपको अपने मन को रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बताएं, अभी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे, आपके मन में एक उथल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात नहीं कर है, ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है, और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा,
या नहीं आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दे दोस्तों है कि आप जितनी सकारात्मक है, जितनी सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं नकारात्मक और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं। यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इस प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी की वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वह भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और झगड़े में ना पड़े, बहसबाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगे, आपको कम समझ में आएंगे और आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहे। एक और खास बात दोस्तों कि आप पैरों में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, किसी चोट के लगने की आशंका है, थोड़ा सा संभल कर रहे दोस्तों। दोस्तों आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा, बेचैनी सी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा। तो आपका को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करने हैं और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से लेना है और कार्य को भी अपनी गति से करना। जल्दबाजी नहीं करेंगे अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी, किसी ना किसी कारण की वजह से ऐसा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन सब नकारात्मक खबरों के बीच में अच्छी खबर यह है दोस्तों कि आपका मन है धर्म कर्म के कार्यों में लग जाएगा। आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा, आस्था जागेगी और आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाने की पूजा आराधना करें। बहुत अच्छी भावना है, आपको यह अवश्य करना ही चाहिए। दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में कई वीडियोस में भी यह बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। हम जितने आप धार्मिक और सात्विक बनकर रहेंगे आपको उतनी ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है ईश्वर को बहुत प्रिय है और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे, सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले ले, ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगी। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं, भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है। जो मैं चाहता हूँ फिर तू दुखी हो जाता है, तो क्यों ना तू वह कर दो। मैं चाहता हूँ फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100% फिट बैठता। दोस्तों आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुड़ी है, ईश्वर का नाम लीजिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। जरा यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। दोस्तों मैं मजाक आपको भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है और आपको हम एक गुप्त बात बता देते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करे कि दोस्तों आपकी राशि के जातकों पर हाँ 100% फिट हो गई है बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे इसी वक्त वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ दोस्तों। तो हम आपको बता दे कि आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है, चाहे आप सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात को जब आपको समय मिले। आपका दोस्त ईश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है, सारे समय ईश्वर के ही समय होते हैं। तो आपका जब भाव जागी आप करिए रोज एक बार, 24 घंटे में एक बार अर्जी लगाई है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा।
के अंदर बहुत ही सरल है तो पाएं, लेकिन करना बहुत कठिन है क्योंकि नियमितता बनाकर रखना बहुत कठिन है, लोग नियमित नहीं होते हैं। दोस्तों 12 बार दूध लेने से कोई इंसान ताकतवर थोड़े ही हो जाता है। दूध चाहे एक गिलास किया जाए लेकिन रोज पिया जाए, नियम से पूरा शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन एक बार यदि आप 2 लीटर दूध पी ले फिर 10 दिन तक ना पीने से ताकत आ जाएगी? जी नहीं दोस्तों, उस प्रकार आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करके तो देखिए। संकल्प ले लीजिए, आकेश दिन का ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए, क्या बुराई है? दोस्तों हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, तो क्यों नहीं 5 मिनट केवल हनुमान जी के कार्य में लगा दे। प्राप्ति के लिए हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे, पर्वत उठाने वाले हैं। हनुमान जी आपका जीवन क्या है? कुछ भी नहीं, जरा सा है। अब आपको बताते हैं सकारात्मक खबरें जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में घटित हो। अब इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में बताते हैं वह खबरें जो आपको पसंद कर देंगे। अगले 48 घंटों में गठित होने वाली ऐसी घटना है जो आपको सुख देंगे। आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपको भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी मदद करेगा। यह दोस्त आपको किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके व्यापार में बिजनेस में नए संपर्क बनेंगे जिससे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद मिलेगी। और यदि रुपए पैसे को लेकर कहीं कोई भी चल रहा था, वैसे आपके अटक गई थी, मिल नहीं पा रही थी, तो अब समय आ गया है कि वह विवाद सुलझ जाएगा। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुके। के साथ ही साथ दोस्तों आपका आपके प्रेम या जीवन साथी से बहुत मधुर संवाद होगा, बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात तो साफ है कि आपका शत्रु आपका का दुश्मन है, आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन्न हो रही है उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाती हैं, इससे जुड़ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका शत्रु जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है वह विफल हो जाएगा। उसका आपके ऊपर से मन हट जाएगा, वह कहीं और समस्या में उलझ जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों सकारात्मक नजरिए के साथ यदि आप चलते हैं तो आपके कार्यक्षेत्र पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं, क्योंकि आपके कार्य करने की शैली यानी कार्य करने के तरीके इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली हैं कि आपके उच्च अधिकारी तो आपसे प्रभावित रहते ही हैं। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगले 48 घंटों में आपको एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा जो आपका मूड ही बना देगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो यह तो सारी बातें थी जो आपके राशिफल से जुड़ी हुई थी, आपके जीवन से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं उस सुंदर स्त्री की जो आपके जीवन में अगले 48 घंटों में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा भरने का कार्य करेगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी और आपको जीवन से लड़ने का संघर्ष देने वाला है। गृह स्थिति अनुकूल है, अपनी मेहनत और विश्वास से तमाम तरह की परेशानियों से राहत पा लेंगे आप। कड़ी मेहनत व परिश्रम से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। घर परिवार के साथ में समय व्यतीत करने से मन प्रफुल्लित रहेगा। व्यवसाय में कड़ी मेहनत और परिश्रम की जरूरत है और इसके द्वारा आप कोई ना कोई उपलब्धि अवश्य हासिल करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील होना संभव है। नई योजनाएं बनेंगी जो कि फायदेमंद रहेंगे। आपका रहन सहन और बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए उपलब्धियों वाला दिन रहेगा। दिन का अधिकतर समय घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने में तथा सुख सुविधाओं जैसी वस्तुओं की खरीदारी में भी व्यतीत होगा। बच्चों की परेशानियों का समाधान करने में उनकी मदद जरूरी है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।